Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Since you thought me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the band. Legacies. काफी टाइम हो गया कि मैं इस तरह आप लोग से बात नहीं कर पा रहा. इसकी भी एक वजह है, मैं बहुत लेजी हो गया हूँ. एंड सबसे मेन रीज़न है कि पढ़ाई बहुत सर पर चढ़ गई. खैर, थोड़ा सा टाइम निकालने के बाद मुझे आप लोग से शेयर करनी है कहानी. और हाँ, ये वाली कहानी नहीं, दूसरी कहानी बता रहा, ये बताएंगे फिर कभी. हुआ ये, एक दिन मैंने अपने दोस्त को बुलाया और हम लोग ने डिसाइड किया हुआ था कि आज हम कुछ शूट करेंगे. और जो हमें शूट करना था वो आइडिया काफ़ी डिफरेंट था. दोस्त आया घर पे, हम लोग ने एक ऐप इंस्टॉल की. मैं अभी नहीं बताऊंगा कौन सी ऐप है. उस ऐप का फ़ायदा ये था कि हम लोग को उसके ऊपर वीडियो बनानी थी. एंड दैट वाज कि एक बस सर्विस थी. तो हम लोग ने आके बुक किया, हम लोग ने टाइम देखा कि भाई इस टाइम पे वो चीज़ आएगी, बस आ जाएगी. लेकिन फिर देखते देखते हम लोग को वहाँ के रूल्स नहीं पता था कि 15 मिनट पहले बुक कराने के बाद वो चीज़ हाथ से निकल जाती है. तो इवेंचुअली हम लोग उस दिन ब्लॉग नहीं कर पाए. तो फिर अब हम लोग बैठे हुए, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या. तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे मैरेथन. अब बात ये नहीं है कि हम मैरेथन जा रहे हैं, बात ये है कि हम लोग ऐसा क्या करेंगे वहाँ जाके सारे पैसे इस बात के. तो मैंने निकाली गाड़ी, मैंने दोस्त को बिठाया. यार मैं तुम लोग को एक सच्ची सी बात बताऊंगा कि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि हम लोग ख्वारी करें आज. मैंने सोचा हुआ था रिजवान आएगा, वी कैन जस्ट डू गेमिंग और बस ये करेंगे, ये सोचा हुआ था. लेकिन देन ही केम अप विद द आइडिया कि एयरलिफ्ट के ऊपर हम पूरा ट्रैवलिंग करते हैं और पूरा ब्लॉग उसके ऊपर बनाएंगे. मैंने बोला हाँ यार, ये सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ मीठास और कुछ डिफरेंट लग रहा है. अच्छा, जब वो एग्जीक्यूट करने लगे तो वो मत पूछिए क्या हुआ, वो हो नहीं पाया. सो नाउ वी केम अप विद अनदर आइडिया. वो ये है कि हम लोग अभी अपने घर की तरफ से निकलेंगे और हम लोग जाएंगे एक जगह जिसका नाम है बैरिया टाउन. तो बात ये नहीं है कि हम बैरिया टाउन जा रहे हैं, बात ये है कि हम बैरिया टाउन में जाके पूरी रात गुजारेंगे और सारे पैसे जो है ना वो सिर्फ उसी बात के सर्वाइवल के उसी बात के. सो वी आर जस्ट गोना गो. जाने से पहले हम लोग दो चार चीज़ें निपटाएंगे, घर के काम है प्लस फिर मेरा भी काम है. और जाहिर बात है क्योंकि मुफ्त में तो कुछ मिलता नहीं है, तो थोड़ा पैसों का इंतज़ाम करना है. मैं भी सुबह 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 ये 100, 200, 300, 400, 500 रुपए. और अब मैं अपने हैंड से 500 रुपए करूँगा. अपने हैंड से क्यों, सारे निकाल. चलो देखते हैं कि यार हमारे कितना बजट लगता है और फिर आप लोगों के साथ ही साथ दिखाते रहेंगे. हम लोग रास्ते में शाम के वक्त निकले थे और शाम से लेकर हम लोग मगरिब के एंड टाइम पे बैरिया टाउन के अंदर एंटर हो गए थे. जरूर ये भी एडवेंचर होगा, पूरी रात पूरे सोलह से छुपते हुए रहेंगे. अब वहाँ एंटर होने से पहले हमने एक बोर्ड देखा था. उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि जो नॉन रेजिडेंट के लोग हैं, मतलब जो बिलोंग नहीं करते बैरिया टाउन से, वो 12 बजे से पहले बैरिया टाउन से एग्जिट करें और एल्स देयर विल बी सीरियस प्रिकॉशंस उनके खिलाफ. तो हम लोग ने बोला यार चलो कुछ इसी तरह का करते हैं, मतलब ठीक है 12 बजे के बाद एंट्रेंस बंद हो जाती है नॉन रेजिडेंट वालों के लिए और आपको निकालने की कोशिश करते हैं अंदर से. लेकिन हमने बोला यार चेक करके देखेंगे ऐसा क्या करते हैं ये लोग, ऐसा क्या होगा. सो लेट्स सी. हम लोग वहाँ पहुँचे लगभग 7 बजे. 7 बजे पहुँचने के बाद हम लोग सबसे पहले प्रीसन 2 में एक मार्ट टाइप जगह थी, हम लोग वहाँ रुक गए. जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा
कि हम लोग मैराथन के अंदर आ गए। अब सवाल ये नहीं है कि हम लोग आ गए, सवाल ये है कि अब हम लोग को पूरी रात निकालनी है और किस तरीके से निकालनी है। क्योंकि जब हम एंटर हो रहे थे ना, तो एंटर होते होते हमने एक बोर्ड देखा और उस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि जो बाहर के लोग हैं वो 12 बजे से पहले मैराथन को छोड़ दें, और अगर नहीं छोड़ते तो सीरियस प्रिकॉशंस विल बी टेकन अगेंस्ट देम। तो ये बात हमने देखी, हम लोग रुके, हमने कार्ड लिया काउंटर वाले से और फिर हमने ये बोर्ड देखा, हमने बोला यार कुछ करना चाहिए इस बारे में, आइडिया नहीं करे क्या? फिर हमने बोला नहीं, मज़ा इसी में आएगा कि अगर हम 12 बजे के बाद ये चेक करें कि इनके प्रिकॉशंस क्या होते हैं और हम उसके ऊपर रिस्क लेंगे। अगर कोई पीछे आता है तो आगे पीछे गाड़ी बनाएंगे, और अगर नहीं आता तो खैर है, रुकना तो हमें वैसे भी है यहाँ पर। सो दिस इज़ द फर्स्ट मेजर स्टेप जो हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, और इसके अलावा अभी हम थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, बाकी जगह देखेंगे। और हाँ, सबसे मेन चीज़ भूख लग रही है हम दोनों को, तो हम लोग अपने हिसाब से एक कोई लोकल काइंड ऑफ ढाबा या लोकल कैफ़े जो अपने हिसाब से खाना मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर हमें यू नो मैकडॉनल्ड्स या KFC कुछ इस तरह का ही खाना पड़ेगा। सो देखते हैं क्या होता है, हम भी मज़े लेंगे इस बात के कि यहाँ ऐसे 12 के बाद क्या होगा, आप लोग भी लेना। वहाँ रुकने के बाद तो हम लोग को सबसे पहली चीज़ जो नज़र आई वो आई थी बिरयानी। तो हम लोग ने बोला चलो हम लोग कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग वैसे बहुत भूख लग रही थी और हमें ये नहीं पता था कि मैराथन में बिरयानी मिलती है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट उधर सिर्फ मैकडॉनल्ड्स KFC पिज़्ज़ा इस तरह की जगह ही नज़र आई थी, कोई लोकल टाइप का रेस्टोरेंट या लोकल टाइप की जगह नज़र नहीं आई थी। तो हम लोग को बैरिया के अंदर एक फर्स्ट दुकान मिली जहाँ पर बिरयानी वगैरह कीमा वगैरह सालन वगैरह मिलता है, क्योंकि हमने ये बल्कि मैंने तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि यहाँ पर ये मिलता है, क्योंकि जितने लोगों से भी मैंने पूछा चलते फिरते हर कोई बोल रहा है कार्निवल जाओ 1000 की एंट्री दो 1500 का खाना खाओ, 1500 भी नहीं और फिर प्लस GST टैक्स लगेगा 2500 अपने ज़ाया करो, और मतलब आप बैठे बैठे 1000 2000 3000 4000 एक बंदे का 2000 3000 ऐसे बिला हुआ था कौन ज़ाया करता है। तो फिर एक और बंदे से पूछा तो उसने बोला कि यार यहाँ 300 है, हाँ बिल्कुल है वो अभी आते हुए हमने देखा कि वो एंट्रेंस के साथ ही बना हुआ है, तो उसने दूसरा ऑप्शन दिया मैकडॉनल्ड्स पास और एक और था पिज़्ज़ा हट, उसके अलावा यहाँ पर कुछ और खाने को नहीं है। अब सैडली इधर आई गेस रेस्टोरेंट्स को आने में टाइम लगेगा या मुझे नहीं पता क्या सीन है, लेकिन जो कराची वालों की एक होती है ना बात कि यार वो पूरी रातों में ढाबे बैठ के चाय पीते और मतलब फ्राइज खाते, और एक होता है बिरयानी वाला सीन होता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही दुकान है, शुक्र है नान कॉर्नर के नाम, जिसने हमारी उम्मीदें थोड़ी जगाई और हमने बोला कि नहीं चलो एक दुकान तो है ना एटलीस्ट जो कुछ ना कुछ दे रही है। सो अभी हमने ये लिया है, ठीक है, और अभी भी हमारे पास 13 घंटे हैं, तो 13 घंटे के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर कम हैं, लेकिन हम देखेंगे उन कम ऑप्शंस के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, और सारे पैसे उसी बात के, क्योंकि मैराथन का हमने ये चैलेंज क्यों रखा है, क्योंकि इट्स रियली हार्ड टू सर्वाइव इन मैराथन, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें नहीं हैं मेजॉरिटी में, तो इस वजह से। तो अभी हम ये बिरयानी साथ मेरा दोस्त साथ खाएंगे और फिर हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे, टाइम पास करेंगे, आगे पीछे घूम के, तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। हमने बिरयानी ले ली, बिरयानी लेने के बाद हम लोग गाड़ी में आके बैठे, और गाड़ी के अंदर जो हमने तैयारी की हुई थी ना ये भी आप सुनो, हम लोग आए थे 2 तकिए लेके, 1 चादर लेके और 1 और चादर थी, प्लस चादरों से कुछ नहीं हुआ मैं फ़ायदा, लेकिन जिस चीज़ से मैं फ़ायदा हुआ था ना वो हुआ था मेरे दोस्त के लैपटॉप से। हम लोग ने ऑब्वियस ही बात है कि यार हमें सिर्फ टाइम स्पेंड करना था, टाइम स्पेंड एज इन हमें सिर्फ सर्वाइव करना था उस टाइम तक जिस टाइम पे ये लोग कुछ करें 12 के बाद, और हम लोग 7:30 पे वहाँ मौजूद थे। सो मेरे दोस्त के लैपटॉप के अंदर कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी जो हम लोग ने देखा और हम लोग ने टाइम पास किया। वो ये कह रहा था कि एक सीज़न डाउनलोड करके आया था, वो काफ़ी अच्छा सीज़न था, तो हम लोग ये कर रहे थे कि 1 घंटे घूम रहे और 1 घंटे हम सीज़न देख रहे हैं। तो हमने अभी अभी बिरयानी खाई है,
और बिरयानी सही है, मतलब इतनी कोई ख़ास नहीं है और ना इतनी कोई बुरी है। अब इसके बाद हम लोग का प्लान कुछ ऐसा है कि हम लोग को नहीं पता क्या करना है क्योंकि और अभी टाइम क्या हुआ है, और अभी टाइम तकरीबन 8 बजे हैं और हमारे पास 12 घंटे और हैं अभी। और अभी हम लोग घरों के इलाके में घूम रहे हैं बैरियर टाउन के, अब हम लोग यहाँ से इनके फ्लैटों के इलाके चेक करेंगे कि वहाँ ऐसा क्या है, वहाँ कुछ है या नहीं है। बिरयानी खा ली हम लोग ने, बिरयानी खाने के बाद हम लोग ने एक एपिसोड देखा, फर्स्ट एपिसोड शुरू किया था। फर्स्ट एपिसोड देखा तो हमारे अंदर क्रेविंग आई कि दूसरा भी देख लेते हैं, तो फिर हम लोग ने दूसरा भी देखा, फिर जब दूसरा देखा मैं तीसरी की क्रेविंग आई, फिर हम लोग नहीं 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 हम एपिसोड देखने नहीं आए यार, क्या बातें कर रहे हो रिजवान। तो फिर हम लोग ने तीसरे पे होल्ड किया और वहाँ पर उस प्रीसन 2 के अंदर एरिया के अंदर साथ में एक ग्राउंड था, हम लोग ने उस ग्राउंड को चेक किया। फुटबॉल के 12 आने के बाद हम लोग को भूख लगी थी दोबारा, बिरयानी तो खा ली थी लेकिन मंचिंग का जो भूख होती है ना वो बिरयानी या किसी और खाने से नहीं जाती। सो हमने फिर चिप्स लिए और चिप्स लेके हम लोग गाड़ी में बैठे और हम लोग गए प्रीसन 4 तक, वहाँ पर घूमते रहे। उसके बाद फिर हमारे पास कुछ करने को नहीं था, हमने दोबारा लैपटॉप खोला और हम तीसरा एपिसोड देखने बैठ गए। तीसरा एपिसोड हमने देखा, तीसरे के बाद हमने चौथा देखा, फिर हम टाइम लगभग हो गया था तकरीबन 9:30-10 के करीब हो गए थे। हम लोग एपिसोड देख रहे थे, देखते देखते हमारे बिल्कुल साथ में एक पुलिस की गाड़ी आ गई। अच्छा, तो हम लोग अभी गाड़ी में बैठ के एपिसोड देख रहे थे क्योंकि हम लोग ने बोला था यार इससे भी हम अपना टाइम पास कर सकते हैं। एपिसोड देखते देखते बहरिया वालों की अपनी एक सिक्योरिटी है, उसका पुलिस वालों से ताल्लुक नहीं है, उनकी गाड़ी हमारे बराबर में आके खड़ी हुई है और वो वहाँ पर गाड़ी पार्क करके हमें सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे कि हम लोग कर क्या रहे हैं। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये गाड़ी हमारे बिल्कुल सामने ही है। अगर आप लोग ने लाइटें देख ली हो, अगर क्या जैसे पुलिस की गाड़ी आई रिजवान मेरी शक्ल देख रहा है, मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, और फिर हम सोच रहे यार ये हमारी तरफ आएगा, हम ऐसे ही सोच ही रहे थे हमारी तरफ आएगा, और उसने गाड़ी बिल्कुल हमारे साथ लगाई, टड़ंग टड़ंग यूँ लगाई, और जैसे ही उसने गाड़ी लगाई गाड़ी से उतरा रिजवान की हार्ट बीट तेज़ हुई, टिटिंग टिटिंग टिटिंग। मैं रिजवान को देख के मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई, वैसे नहीं होती, उसको देख के मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई, टन टन टन। और जब वो उतरा तो हमारी गाड़ी की तरफ आ ही रहा था, लेकिन आते आते वो साला यू टर्न ले गया, और जैसे ही यू टर्न लिया तो फिर हमारे दिलों के अंदर कुछ जान आई, सांस लेने की कैपेसिटी सही हुई, और फिर हम लोग शुक्र अदा किया कि चलो वो हमारे लिए नहीं आया था। तो हम लोग अब एक काम ये करेंगे कि हम लोग गाड़ी से उतर रहे हैं और गाड़ी से उतरने के बाद हम लोग गाड़ी के बाहर बिल्कुल सादी रोड है इस तरफ, यहाँ इधर टेक लगा के खड़े होंगे और देखते हैं कि वो पुलिस वाले हमें कितना और ऑब्जर्व करते हैं। वहाँ का एक पब्लिक स्पेस था जो 11 बजे तक का बोर्ड लगा हुआ था और वो बोर्ड मतलब वो टाइम ख़त्म हो जाता है, तो 11 बजे एवरीवन हैज़ टू लीव फ्रॉम दैट एरिया, तो वो बेसिकली उस चीज़ के लिए आया था। चलो ये तो हो गया, हम लोग फिर सुकून से चिल मारा, हम लोग अपने चिप्स खा रहे थे, तो फिर क्या हुआ कि वही पुलिस वाले 11 बज गए थे तकरीबन हमें, क्योंकि हम लोग ने दो और एपिसोड देख लिए थे, तो वो पुलिस वाला उधर गया, वहाँ पर कोई से इशारा किया किसी गार्ड को, सिक्योरिटी गार्ड को जो उस पब्लिक स्पेस का ध्यान रख रहा था। वापस जब वो अपनी गाड़ी में आया ना तो अपनी गाड़ी में आके बैठ गया, ठीक है, और हमें लगा कि भाई वो तो सिर्फ इस काम के लिए आया था, उस पब्लिक स्पेस को रोकना था, लेकिन वो उतरा, वो उतर के हमारी तरफ आ ही गया फाइनली। और जब वो आया विंडो की तरफ नॉक करके, तो पहला सवाल उसका ये था कि आप रेजिडेंट हैं या आप किसी के पास आए हैं।